प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेके आए हैं स्टैंडर्ड कंपनी की स्टॉर्म एयर पेडेस्टल फैन। इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से हम फैन की इंस्टॉलेशन करके दिखाएंगे, जिससे जरिए आप लॉकडाउन में कोई पेडेस्टल फैन परचेस करते हैं, चाहे यही फैन आप परचेस करते हैं, तो आप अपने से घर में कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे वो हम इस वीडियो में करके बताने जा रहे हैं। तो देखिए, हर एक फीचर्स इस बॉक्स में दिया गया है। इस फैन में जो फीचर्स है, 2 ईयर्स की गारंटी, थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन दिया गया इसके मोटर में, हाइट एडजस्टमेंट है। तो हर एक फीचर्स इस बॉक्स में आप चाहे तो इसको पर्च करके एक बार देख सकते हैं। अभी बॉक्स के दूसरे साइड में इसके मॉडल के डिटेल्स दिया गया। तो देखिए, इसके मॉडल जो है स्टॉर्म एयर, इसके मॉडल ऑपरेटिंग वोल्टेज 220 से लेकर 240 में ऑपरेटिंग वोल्टेज, एक कलर है ब्लैक, 500 mm इसके स्वीप, ये जो साइज है 500 mm के फैन की साइज, और ये हैवेल्स की स्टैंडर्ड ब्रांड है। तो देखिए नीचे हैवेल्स इंडिया लिमिटेड के ऑफिस और कस्टमर केयर की डिटेल्स। तो ये आपको इन फीचर्स प्रॉब्लम होने से कस्टमर केयर में आप कॉल कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट 2 ईयर्स की गारंटी मिलेगा इस फैन में। तभी इसको हम बॉक्स से बाहर करेंगे, बाहर करके हर एक चीज़ एक एक करके हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहें। आप कैसे करके आसान तरीके से एक पंखा को इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और सही तरीक़े से, तो देखिए बॉक्स से हम बाहर कर ले रहे हैं। ये देखिए इस टाइप से प्लास्टिक कवर के अंदर में है हर एक पार्ट्स इसके, हर एक जो। तो ये देखिए, एक सबसे पहले एक आप देखिए, बस एक बेस आपको मिलेगा, बेस है और एक पोल असेंबली, एक मोटर यूनिट। ये मोटर यूनिट की बॉक्स है, दो बॉक्स आपको मिलता है स्टॉर्म एयर में, एक मोटर यूनिट और दूसरा एक यूनिट में आपको जाली वगैरह सब मिलता है। और मोटर के साथ एक देखिए ऑपरेटिंग इंडक्शन मैनुअल और 2 ईयर्स की गारंटी के कार्ड स्टैंडर्ड का। तो ये सब आपको मोटर के साथ, ये देखिए कंप्लीट एक बेस, ये इसकी पोल असेंबली है और ये इसकी मोटर यूनिट हो गया, और ये ब्लेड, ये कंप्लीट फुल्ली मेटल बॉडी फैन है, जिसको आप फराटा फैन बोल सकते हैं, फराटा फैन नाम से भी जाना जाता है। और एक गार्ड रिंग, सिर्फ गार्ड रिंग छोड़ के इसमें जो भी पार्ट्स है जो आप देख रहे हैं फैन के, पूरा कंप्लीट मेटल बॉडी। तो इंस्टॉलेशन करने के लिए देखिए 3 चीज़ लेना पड़ेगा, एक स्क्रू ड्राइवर, एक प्लायर और एक स्क्रू ड्राइवर सेट है तो ले लीजिए। तो अभी हम सबसे पहले बेस के साथ पोल को फिटिंग करेंगे। तो 3 स्क्रू है, 3 स्क्रू को आपको ओपन कर लेना है, और ये देखिए बेस में दिया गया 3 होल में इसको टाइट कर लेना है, बहुत ही इजीली है। तो हम 3 स्क्रू को ओपन कर लिए हैं और इसको होल को मैच करके 3 स्क्रू को एक एक करके आप पीछे से नट बोल्ट और वॉशर दे के बढ़िया से इसको कंप्लीट फुल्ली टाइट कर लीजिए। तो हम देखिए अभी बैक साइड में बैक करके हम आपको दिखाते हैं। दे देखिए नट्स और स्क्रू, जो आपको वॉशर था, तो एक एक वॉशर एक नट दीजिए उसके साथ, और तीनों को, इसमें कोई भी आपको मार्क नहीं है, आप किसी भी साइड, तीनों जो होल है कोई भी साइड में लगा सकते पोल को। तो पोल को कहीं बेस का मार्क नहीं है, राउंड का चलते। और प्लायर, चाहे आपके पास स्पेनर है तो ठीक है, तो प्लायर से भी आप इसको बहुत ही आसान से इसको टाइट कर सकते हैं। तो देखिए पाइप मेरा फिटिंग हो चुका है, उसके ऊपर एक कैप है, जिस कैप को आप ऊपर से इसको रख दीजिए। तो देखिए जो स्क्रू है वो देखने नहीं मिलेगा, तो बहुत ही अच्छा लुक्स हो गया। अभी फिटिंग के बारी है मोटर की यूनिट। तो ये देखिए कंप्लीट मेरे पास मोटर यूनिट, ये देखिए इसके हाइट एडजस्टेबल नट से हम इसको थोड़ा ढीला करके पाइप को हम ऊपर कर लिए, हम आपको फिर दिखाते हैं। इस टाइप से लूज करके आप हाइट एडजस्ट कम बेसी कर सकते हैं इसको घुमा के। तो हम थोड़ा सा ऊपर कर लिए हैं और इसको फिर से हम टाइट कर दे रहे हैं, हमको अभी मोटर का यूनिट को फिक्स करना है बोल के। तो 3 होल आपके पाइप में भी देखिए आ रहे, देखिए 3 होल के लिए देखिए 3 स्क्रू दिया है। तो ये 3 स्क्रू को पहले ओपन कर लेना है स्क्रू ड्राइवर से। तो हम देखिए इसको ओपन कर लिए, 3 स्क्रू खोल लिए हैं। अब जो है इसी मोटर को आप लेके सिंपली इस पाइप के ऊपर पाइप में इसको डाल दीजिए। तो देखिए हम इसको पाइप में दे रहे हैं। पाइप में देने के बाद एक चीज़ देखना है खाली आपको, तीनों नट जो स्क्रू के होल दिया गया इसको एडजस्ट कर लीजिए। तो देखिए तीनों को हम एडजस्ट कर ले बढ़िया से, ये देखिए तीनों को हम एडजस्ट कर लिए हैं और टाइट कर लेंगे।
जो एडजस्टेबल नट है उसको आप बैक साइड पीछे साइड रखिए और फ्रंट साइड आप आगे रखिए, ब्लेड को जो साइड है वो आगे रखिए। तो तीनों स्क्रूस इसको हम टाइट कर ले रहे हैं। इसके बाद के बारी आता है बैक गार्ड। तो बैक गार्ड टाइट करने के लिए भी बड़ा इजी है। तीनों स्क्रू है मोटर में लगा हुआ, देखिए एक एक करके स्क्रू को टाइट करेंगे। और ये देखिए जो जाली के ऊपर में एक देखिए हाथ से पकड़ने के लिए दिया गया है उसको आपको ऊपर में रखना है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। बैक जाली लगाते टाइम में इसको आपको ऊपर में रखना है। तो हम तीनों स्क्रू को बहुत ही आसान तरीके से इसको टाइट कर ले रहे हैं। इस टाइप से आप तीनों स्क्रू को खोल के इस बैक जाली को टाइट करिए स्टेप बाय स्टेप। तो इंस्टॉलेशन आप देख रहे हैं बहुत ही इजी इंस्टॉलेशन, मेरा करीबन 80% इंस्टॉलेशन हो चुका है। आप ऐसे करके फिर पंखा को इंस्टॉलेशन कर सकते हैं बिना किसी भी टेक्नीशियन चाहे इलेक्ट्रीशियन को बुलाए, अपने घर से आप घर में आप इंस्टॉलेशन पंखा को कर सकते हैं। ये देखिए फैन की ब्लेड, तो एक जो लॉक पिन हम दिखाए थे इस लॉक पिन को पहले प्लायर से आप सीधा कर लीजिए और इजीली इसको आपको हाथ में आ जाएगा। तो हम प्लायर को इसे देखिए पिन को लॉक पिन को हम स्ट्रेट से सीधा कर लिए हैं, अभी इस लॉक पिन निकाल दिए हैं, अभी इसके ब्लेड को हम इस शाफ्ट में जो फैन के जो शाफ्ट है इसमें टाइट। तो आप देखिए जो नट है ये बैक साइड ब्लेड का बैक साइड आप देख लीजिए, हम ये देखिए दिखा रहे होंगे इस टाइप से इसके बैक साइड रहेगा। और जो होल शाफ्ट में आप देखिए एक होल है वो नट उसी के अंदर ही टाइट होगा। तो थोड़ा सा अंदर करिए और उस होल में एडजस्ट होना चाहिए, देखिए जो हम थोड़ा ज़्यादा चल गया था तो हम ठीक एडजस्ट करके और उसमें हम आप स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट कर लेंगे, वो अपने आप उस जगह में ले लेगा और आपको देखिएगा ब्लेड कंप्लीट टाइट हो जाएगा। तो ज़रूर से उसको होल में होना चाहिए, देखिएगा एक बार ज़रूरी से उसको देखने के बाद बढ़िया से इसको स्क्रू ड्राइवर से, चाहे स्पेनर है तो आप स्पेनर से भी कर सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर से कंप्लीट टाइट हो गया। और ये देखिए एक लॉक पिन बॉय सेफ्टी के लिए दिया गया है। इन फीचर्स के इसे करके जैसे नट खुल जाता है तो आपके लॉक पिन के चलते ब्लेड बाहर आपको निकल के नहीं आएगा बोल के ये सेफ्टी पर्पस दिया गया है जो बहुत ही अच्छा है। और अभी ये देखिए बैक गार्ड और ब्लेड हम लगा लिए, अब फ्रंट गार्ड के बारी है जिसमें आप देख पा रहे होंगे स्टैंडर्ड की लोबो, क्या कि स्टैंडर्ड की फैन है तो स्टैंडर्ड के लोबो आपको सामने मिलेगा फ्रंट पे। और ये देखिए इसकी गार्ड रिंग जो प्लास्टिक की है बहुत ही मूवेबल है, तो इसको आप बैक गार्ड में फंसा लीजिए, थोड़ा सा स्वेफ लूज ही रहता है, चाहे जरूरत पड़े तो आप लूज कर सकते हैं। नीचे में एक स्क्रू दिया गया है इसको कम बेसी करने के लिए, तो हम बैक में उसको फंसा लिए हैं। दो इसमें चैनल बनाया गया दो गार्ड के लिए, तो आप दो गार्ड को एडजस्ट करके और स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको टाइट कर लीजिए। तो देखिए हम इसको बढ़िया से इसको टाइट कर लिए हैं और ये देखिए मेरा पंखा कम्प्लीटली इंस्टॉलेशन हो चुका है। तो इस तरह से आप इजीली फराटा पैन को फिटिंग कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। आप इस वीडियो के ज़रिए बहुत ही आसान तरीके से आप इस पंखा को फिटिंग कर सकते हैं इस टाइप से, और कुछ भी नहीं इसमें फिटिंग करने के लिए। अरे देखिए फैन के पीछे में आप देख पा रहे हैं हाई मीडियम लो कहने के लिए स्विच दिया गया है, तो अभी हम इसको लाइन सप्लाई लाइन से कनेक्ट भी कर दिए हैं और आपको अभी चला के दिखा रहे हैं, तो इसके आवाज़ भी आप सुन पा रहे होंगे, देखिए हम आवाज़ के लिए दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छा इसकी आवाज़ देखिए बहुत ही स्मूथली है, बहुत ही अच्छा आवाज़ है। तो इस फैन का पंखा को आप ले सकते हैं। हम इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे जहाँ से आप ऑनलाइन इस पंखा को परचेस कर सकते हैं। चाहे इस फैन के रिलेटेड चाहे और भी कुछ भी इंक्वायरी रहे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, और चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते अगले वीडियो में किसी एक और प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।